गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सुनील शर्मा, योर फ्रेंड, योर मेंटर ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, टेंसों से पूर्व दो टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए, एक आर्टिकल्स का टॉपिक, एक प्रीपोजिशन का टॉपिक। पिछले वीडियोस में मैंने आर्टिकल्स को ए एन द और क्रॉस को क्लियर किया है, नन को। अब मैं आपको प्रीपोजिशन के बारे में बताना चाहूँगा कि प्रीपोजिशन टेंसों से पहले क्यों जरूरी है, इसका आना क्यों आवश्यक है, क्योंकि बिना प्रीपोजिशन और टेंस आर्टिकल्स के हम टेंस का कोई भी वाक्य बिना गलती के कंप्लीट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट मेक एनी सेंटेंस विदाउट आर्टिकल्स एंड प्रीपोजिशन। प्लीज लुक हियर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रीपोजिशन को जब अपन तोड़ते हैं तो प्री यानी पहले, दूसरा वर्ड है इसका पोजिशन, पोजिशन यानी स्थान कह दो या स्थिति कह दो। इसका हिंदी वर्जन है संबंध सूचक अव्यव। इसके नाम में इसकी डेफिनेशन है दोस्तों, इसकी परिभाषा है कि ये संबंध बताने का कार्य करते हैं। संबंध किस किस में बताते हैं? वाक्य में जो भी एक संज्ञा या एक सर्वनाम आता है उसका संबंध वाक्य के दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से ये बताने का प्रयास करते हैं। इट मीन्स वाक्य की एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ रिलेशन करते हैं, या फिर एक सर्वनाम का दूसरे संज्ञा के साथ, या फिर सर्वनाम का सर्वनाम के साथ रिलेशनशिप स्थापित करते हैं ये वाक्य में। इसीलिए इनको हम संबंध सूचक का अवयव कहते हैं। नाउन टू नाउन, एन फॉर नाउन, प्रोनाउन टू प्रोनाउन, इसी चीज को अपन ने इंग्लिश में रखा है प्रोनाउन टू नाउन, ये संबंध स्थापित करते हैं। मैंने एक लाइन में इसकी परिभाषा भी लिखी है, जिस चीज को अपन पढ़े समझ में तो आए। ये टॉपिक है प्री से तात्पर्य पहले, पोजिशन से अभिप्राय स्थान। अर्थात ये वे शब्द होते हैं जो वाक्य में एक संज्ञा एक सर्वनाम से पहले आते हैं और वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम से उस संज्ञा सर्वनाम का संबंध स्थापित करते हैं। दो तीन अपन एग्जाम्पल लेते हैं, इससे बात क्लियर हो जाएगी और इससे ये भी क्लियर हो जाएगी कि टेंसों से पहले इन टॉपिकों का आना क्यों जरूरी है। राम इज सिटिंग ऑन द चेयर। दोस्तों आप इसमें देखोगे कि राम एक नाउन है व्यक्ति के निमित्त। संज्ञा में चार चीजों को लेते हैं, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी। इज हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है दोस्तों, आगे टेंसों को भी डिस्कस करेंगे। सिटिंग मेन वर्ब है, बैठा हुआ है। ऑन द चेयर, इसमें द आर्टिकल से पिछले वीडियोज में अपने एनडी को देखा है, और चेयर नाउन है, वस्तु में आ रही है। ऑन प्रीपोजिशन है। अब इसमें एक संज्ञा तो हो गई चेयर, जिससे पहले ऑन प्रीपोजिशन काम में आ रहा है। दूसरी संज्ञा है राम, तो राम का और चेयर का संबंध बताने का कार्य कर रहा है आपका ये ऑन। ऑन से अभिप्राय ऊपर, पूरे वाक्य का सही सही अर्थ निकालोगे तो राम कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है, क्लियर अर्थ आ रहा है। एक मिनट के लिए अगर अपन इस ऑन को ढक लेते हैं, कवर्ड कर लेते हैं या हटा देते हैं, मिटा देते हैं, और फिर वाक्य का अर्थ लेते हैं। राम इज सिटिंग द चेयर, तो राम बैठा हुआ है कुर्सी, राम बैठा हुआ है कुर्सी। अब इसमें क्लियर नहीं हो रहा दोस्तों कि राम कुर्सी के अगल में है, बगल में, ऊपर है, नीचे है, इसलिए इस ओन शब्द का होना मस्ट है। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि पूरा वाक्य टेंस से है और ये ओन शब्द प्रीपोजिशन से, एक शब्द पूरे वाक्य के अर्थ पे भारी पड़ रहा है। अगर जब तक ओन का अर्थ ऊपर का अर्थ नहीं आएगा, टेंस वाइज अगर वाक्य को देखेंगे तो बिल्कुल फॉल्ट नजर आएगा, बिल्कुल गलत नजर आएगा। सेम ऐसा एक एग्जांपल है, ये मैंने उदाहरण दिया है नाउन टू नाउन, अपन ने संज्ञा से संज्ञा का उदाहरण लिया है, अब यहाँ प्रोनाउन से संज्ञा का उदाहरण है अपना नाउन का। जैसे वी आर सिटिंग इन द रूम, इसमें वी प्रोनाउन है दोस्तों। संज्ञा के स्थान पे काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ये अपन छोटी क्लासों से सब देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं। आर इसमें हेल्पिंग वर्ब है, सिटिंग मेन वर्ब है, इन इसमें प्रीपोजिशन है, इन यानी अंदर, इसका अर्थ भी मैंने ऊपर लिखा है। द रूम, द आर्टिकल से रूम इसमें नाउन है क्योंकि स्थान में आ गया, तो इस वी सर्वनाम का संबंध इन रूम से, कमरे से बता रहा है कि हम कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, इन यानी अंदर। अगर अपन एक मिनट के लिए इस इन को ढक लेते हैं, मिटा देते हैं, कवर्ड कर लेते हैं या हटा देते हैं, तो हम बैठे हुए कमरा, तो हम बैठे हुए कमरे में क्लियर नहीं होगा, हम बैठे हुए कमरा के अंदर है, बाहर है कमरे से, जब तक इन आपके सेंटेंस में नहीं होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा था दोस्तों कि वी कैन नॉट मेक एनी सेंटेंस विदाउट प्रीपोजिशन एंड आर्टिकल्स। देखो दोनों वाक्यों में प्रीपोजिशन भी आ रहा है, द आर्टिकल्स भी आ रहा है, यहाँ प्रीपोजिशन भी आ रहा है, यहाँ आर्टिकल्स भी आ रहा है। ऑन, इन, अबो, अप, इनटू, अक्रॉस, बिटवीन, बहुत सारे शब्द जो प्रीपोजिशन में है। अलोन, ये इनके बिना वाक्य बन नहीं सकते। अब ये एक लास्ट एग्जाम्पल अपना है दोस्तों, जो अपन ने लिया है एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम का। He is talking with himself. वो अपने आप से बात कर रहा है। With यानी himself, अपने आप से।
तो एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम में संबंध स्थापित हो रहा है यहाँ पे, तो इज दैट क्लियर। संबंध सूचक अवयव यानी इट मीन्स प्रीपोजिशन, वे शब्द जो वाक्य में एक संज्ञा सर्वनाम से पहले आते हैं और वाक्य के किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम से अपना संबंध स्थापित करते हैं। अब काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के कितने पार्ट है, इसको तीन भागों में बांट सकते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, समय बताने वाले प्रीपोजिशन है ये सब, एट, इन, फ्रॉम, सिंस, फॉर, इसमें समय बताने वाले प्रीपोजिशन आते हैं। कुछ मैंने एग्जाम्पल के रूप में लिखे हैं, कुछ इनके अलावा और भी है दोस्तों। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ये हमेशा स्थान के लिए प्रयुक्त होते हैं वाक्य में, ऑन है, इन है, एट है, बिटवीन है। प्रीपोजिशन ऑफ मोशन, इनके अलावा भी और भी है, मैं आपको सबसे बड़ी लिस्ट दूंगा प्रीपोजिशन की जो हर सेंटेंस में काम में आते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ मोशन यानी गति को बताने वाले प्रीपोजिशन, जैसे अपॉन है, अलोंग है, अक्रॉस है, थ्रो है, जो भी गति वाले सेंटेंस यू मेक इन इंग्लिश जो आप बनाते हो इंग्लिश में, उनकी इंग्लिश बनाते हो, उनमें ये सब प्रीपोजिशन ऑफ मोशंस का यूज होगा दोस्तों। अब इससे नेक्स्ट अपन चलते हैं कि ऊपर के लिए काम आने वाले प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन को मैंने इनको एक क्लासिफिकेशन करके पढ़ा है, पहले ऊपर के लिए काम आने वाले प्रीपोजिशन, फिर नीचे के लिए, फिर अंदर के लिए, ताकि इजी गोइंग बच्चा समझ सके। ऊपर के लिए दोस्तों पांच प्रीपोजिशन काम में आते हैं, ऑन, ओवर, अबो, अप, अपॉन, इन पांचों का सेम अर्थ है। देखो मैंने सबके लिए ऊपर लिख रखा है, सबका सेम अर्थ है इन सबका। ऑन यानी भी ऊपर से अभिप्राय, ओवर से भी तात्पर्य यही है, अबो से भी, अपॉन से भी, फर्क क्या है? मेजर, इसमें कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं है, बिल्कुल माइनर डिफरेंसेज, इनके प्रयोग में फर्क है। ऑन के नीचे एक मैंने छोटा सा प्रोफाइल चित्र बनाया है, ये मेरे नोट्सों में भी ढंग से क्लियर है। एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु है और दोनों वस्तुएं एक दूसरे को स्पर्श कर रही है, छू रही है, तो जब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु और दोनों एक दूसरे को स्पर्श करें तो वहाँ वी आर यूज देयर ओनली ऑन। सम बुक्स आर लेइंग ऑन द टेबल, एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, कह सकते हैं कि कुछ पुस्तकें टेबल पे पड़ी हुई है, रखी हुई है, तो पुस्तकें टेबल के नो डाउट टच कर रही है। ओवर के प्रयोग में भी एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर ही होती है, इससे भी तात्पर्य ऊपर से, लेकिन इसमें एक वस्तु दूसरे वस्तु को छूती नहीं है। देयर इज ए फैन ओवर माई हेड, पंखा मेरे सिर से ऊपर है। तो जहाँ आपको ये शो करना हो कि एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर तो हो लेकिन स्पर्श नहीं कर रही, वहाँ अपन ओवर वाला एग्जाम, ओवर वाला प्रयोग करेंगे, ओवर से वाक्य को बनाएंगे। अब अबो है, अबो के प्रयोग में भी एक वस्तु दूसरे वस्तु को स्पर्श नहीं करती दोस्तों, लेकिन इसके प्रयोग में नीचे से ऊपर की तरफ निश्चित दूरी या बिंदु का समावेश होता है, नीचे से ऊपर की तरफ निश्चित दूरी या बिंदु का समावेश होता है। जैसे मान लो कि वी आर फ्लाइंग अबो द क्लाउड्स, हम बादलों से ऊपर उड़ रहे हैं, तो ऊपर के लिए एक निश्चित बिंदु हो गया कि इस बिंदु से ऊपर उड़ रहे हैं। आपके प्रयोग में कोई भी व्यक्ति या वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ गति करता है, ये मैंने लिखा भी है, सब कुछ छोटे छोटे चित्रों से बताने का प्रयास किया है, मेरे नोट्स में भी है ये। जैसे वी आर क्लाइंबिंग अप द माउंटेन, हम पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, तो नीचे से धीरे धीरे ऊपर की तरफ गति कर रहे हैं। वी आर ग्रोइंग अप, हम बढ़ रहे हैं शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी। अपॉन के प्रयोग में गति परिवर्तन होती है, स्थान भी परिवर्तन होता है। इसके प्रयोग में प्रारंभिक अवस्था में कोई व्यक्ति या वस्तु नीचे से ऊपर जाती है और अंतिम अवस्था में ऊपर से नीचे आती है। तो ये पांचों प्रीपोजिशन ऊपर के लिए काम में आते हैं, बिल्कुल माइनर डिफरेंस है, सबका अर्थ ऊपर है, अर्थ मीनिंग एक है इनका, लेकिन प्रयोग में फर्क है। अब इनमें से सबसे पहले अपन ऑन लेंगे, बाकी बचे हुए चार को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन। ऑन के मोस्टली दोस्तों छह प्रयोग है, इन छह को समझ लोगे तो सारे 10-12 और किसी ग्रामर में 10-12, 13-15 के रूप में लिखे हैं, 8 के रूप में लिखे हैं, उन छह में ही आ जाएंगे। इसके प्रयोग पहली स्थिति बनती है कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर हो, दोनों एक दूसरे को स्पर्श करती हो और गति का अभाव हो, क्योंकि गति होते ही संपर्क टूट जाएगा। जैसे वी आर सिटिंग ऑन द चेयर, हम कुर्सियों पे बैठे हैं, आप उठ के अगर आपने मूवमेंट किया तो संपर्क टूट जाएगा। वी आर स्लीपिंग ऑन द बेड, हम बिस्तर पे सो रहे हैं, तो अगर आपने गति की तो संपर्क टूट जाएगा। सप्ताह के दिनों और दिनांक से पूर्व भी वी आर ऑलवेज यूज ऑफ ऑन, हमेशा ऑन का प्रयोग करते हैं। आई शैल गो टू दिल्ली ऑन मंडे, मैं सोमवार को दिल्ली जाऊंगा, तो ऑन का प्रयोग मंडे से पहले आ रहा है। मंडे हो, संडे हो, कोई से भी, ही वो यहाँ शुक्रवार को आएगा, ही विल कम हियर ऑन फ्राइडे, तो सप्ताह के दिनों से पहले आता है। और दिनांक से पहले भी ऑन का प्रयोग किया जाता है, द ब्लड डोनेशन कैंप विल बी हेल्ड ऑन 15 जुलाई 2020, 15 जुलाई 2020 को रक्तदान शिविर लगेगा, इससे तात्पर्य डेट से पहले ऑन आ रहा है।
किसी भी चीज के लिए, सफलता के लिए बधाई, जन्मदिन के लिए बधाई, मेरिज एनिवर्सरी के लिए बधाई, प्रेसिसित करने के लिए भी हम ओन का प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल मैंने छोटा सा दिया है, आई गिव यू कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस, मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर बधाई प्रेसिसित करता हूँ। आई गिव यू कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर आर एस सेलेक्शन, तुम्हारे आर एस में जो सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ आर एस कुछ भी कह सकते हैं अपनी जीवी में उसके लिए, या सिलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट सर्विस, तो जन्मदिन की बधाई हो, मेरिज एनिवर्सरी की हो, कोई भी ओकेजन जिसपे आप बधाई प्रेसिसित करना चाह रहे हो वहाँ उनका प्रयोग होगा। विशेष दिन और त्योहारों से पूर्व भी दोस्तों हमेशा उनका प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मित्रों एक एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया गॉट इज फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, भारत ने अपनी आज़ादी 15 अगस्त 1947 को प्राप्त की, तो ऑन 15 अगस्त से पहले विशेष दिन हो गया, इट इज़ गाला डे फॉर अस, ये हमारे लिए एक स्वर्णिम दिन है, 200 वर्ष की गुलामी की जंजीरों के बाद भारत को आज़ादी मिली, तो विशेष दिन माना जाएगा ये आपका। मैरिज वाला दिन विशेष है, जन्मदिन विशेष है, तो उनसे भी पहले ऑन आएगा। ही केम हियर ऑन दिवाली, वह यहाँ दिवाली पर आया, तो विशेष दिन और त्योहारों से पहले उनका प्रयोग हो रहा है। किसी भी कार्यक्रम को जब दोस्तों अपन रेडियो या टीवी पर सुनते हैं, देखते हैं, तो ऐसे अभिप्राय वाले वाक्यों को अपन ऑन से बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हियर दिस न्यूज ऑन रेडियो, मैंने ये समाचार सुना रेडियो पर, ऑन से तात्पर्य पर है, पर टीवी बिफोर, मैंने इस फिल्म को पहले टीवी पर देख चुका हूँ। तो जब भी कोई कार्यक्रम टीवी या रेडियो पर या मूवी देखते हैं, सुनते हैं, तो उसके लिए अपन ऑन का प्रयोग करते हैं रेडियो या टीवी से पहले। पाँव से गति का बोध कराने के लिए भी दोस्तों ऑन का प्रयोग होता है, जैसे ही केम हियर ऑन फुट, वो यहाँ पाँव से आया। वी गो टू स्कूल डेली ऑन ओवर फिट, हम रोज हमारे पाँव से गति करके स्कूल जाते हैं। ही इज स्टैंडिंग ऑन इज फिट, वो अपने पाँव पे खड़ा है। तो इस डेट क्लियर, ये छह नियम हैं, ये गोल्डन रूल्स हैं ऑन के, इन छह से बाहर कोई सा भी सेंटेंस नहीं बनेगा आपका। इन्हीं छह नियमों को और ग्रामरों में तोड़ के 7, 8, 10, 15 में दिखा रखा है। अब आज आपका होमवर्क ये रहेगा दोस्तों कि आपको एक्सरसाइज करनी है ऑन की, और हो सके मैं तो इनकी लास्ट में आपको एक एग्जांपल्स के रूप में 2-3 एक्सरसाइजें दूंगा ही, 20 सेंटेंस की नोटबुक में जो इन छह नियमों से रिलेटेड हो, 20 या 25 सेंटेंस आपके मिनिमम होने चाहिए, और मैक्सिमम तो आप जितने लो 30-40, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। मुझे ऑन से रिलेटेड इन छह नियमों को शो करते हुए आपको 20 या 25 सेंटेंस बना के अपनी नोटबुक में वापस सेंड करना है। ओके, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।